आज हम पढ़ेंगे माँ, है ने? जो वर्णिका का है, कक्षा 10 का है ने? और लेसन 3 है माँ। ध्यान देना बुआ, अच्छा कहानी है। तो माँ जो है गुजराती भाषा में लिखा गया है ने? माँ जो है किस भाषा में लिखा गया है? गुजराती भाषा में। किस भाषा में? हाँ बता, माँ जो है किस भाषा में लिखा गया है? माँ किस भाषा में? गुजराती भाषा में लिखा गया है ने? और इसका जो है हिंदी में अनुवाद कौन किए थे बुआ? गोपाल दास। पहले देखो, माँ जो है ईश्वर होते हैं बुआ, ईश्वर के समान होते हैं माँ, इसलिए इनका लेखक है ईश्वर पेटिकर। कौन है बुआ? कौन है बुआ? माँ जो है किनके समान है बुआ? ईश्वर के समान, भगवान के समान, इसलिए इनका लेखक कौन है बुआ? ईश्वर पेटिकर। कौन पेटिकर बुआ? माँ का लेखक कौन है बुआ? ईश्वर पेटिकर। माँ कहानी का लेखक? ईश्वर पेटिकर। माँ कहानी का लेखक ईश्वर पेटिकर है ना बुआ? कौन है बुआ? ईश्वर पेटिकर। कौन है बुआ? ईश्वर पेटिकर। अनुदित बोले तो माँ को जो है हिंदी में अनुवाद कौन किए थे? गोपाल दास नागर। कौन है बुआ? गोपाल दास नागर। इसमें जो बुआ हम पढ़ेंगे मंगू पर आधारित है। किस पर बुआ? मंगू के बारे में। इसमें मुख्य पात्र है माँ कहानी में, मुख्य पात्र अगर बात किया जाए, पूछेगा कि माँ कहानी में मुख्य पात्र कौन है बुआ? मंगू। कौन है बुआ? मंगू। तो मंगू जो है बचपन से ही, जन्म से ही है ने, जन्म से ही पागल और गूंगी लड़की थी। जन्म से ही बहुत ही अच्छा कहानी है ने? मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी थी। पागल मतलब समझते हैं, जैसे मंगू पढ़ाते पढ़ाते गाना गाने लगे या नाचने लगे तो उसी को कहते पागल। और गूंगी मतलब जो जो बोल नहीं सकता है ने, जो बोल नहीं सकता जन्म करता है उसी। तो ये जो है मंगू जो है बचपन से ही, मतलब कि जन्म से ही है ने, पागल और गूंगी लड़की थी। मंगू जो है 12 वर्ष की थी। कितने वर्ष के थे मंगू? कितने वर्ष के थे मंगू? कितने वर्ष के थे मंगू? कितने वर्ष के थे? 12 वर्ष के थी है ने? और देखो माँ के जो है, माँ के कुल 4 संतानें थी। एक मंगू है, इन्हें 3 गो है, 1 2 3, 2 भाई और एक बहन है ने? इसकी बहन का नाम है कम्मू। बड़ी बहन है, बड़ी बहन, बड़ी बहन ही है बुआ। इसका नाम है कम्मू। क्या है बुआ? कम्मू। तो मंगू के बड़ी बहन का नाम क्या है? मंगू के बड़ी बहन का नाम? ये सवाल पूछा हुआ है ना कि मंगू के बड़ी बहन का नाम? मंगू के बड़ी बहन का नाम कम्मू। तो मंगू के अलावा, मंगू के अलावा है ना, क्वेश्चन समझना, मंगू के अलावा माँ के कितने संतानें हैं? अरे 3 बुआ, 1 2 3। मंगू के अलावा, मंगू के छोड़ दो, उसके अलावा कै गो है? 1 2 3। तो ऐसे भी करके सवाल पूछता है कि मंगू के अलावा माँ के कितने संतानें हैं? 3। मंगू के अलावा माँ के कितने संतानें? 3। मंगू के अलावा माँ के 3। मंगू के अलावा माँ के 3 संतानें हैं। कितने संतानें बुआ? 3। मंगू के अलावा माँ के कितने संतानें? 3 संतानें है ने? तो माँ के ऐसे कुल कितने संतान है बुआ? 4। कितने है बुआ? 4 है ने? तो बता मंगू जो है जन्म से क्या है बुआ? पागल। हाँ पागल और मंगू कितने वर्ष के थे? 12 वर्ष के। कितने वर्ष के? 12 वर्ष के बुआ। कितने वर्ष के है? 12 वर्ष के। 12 वर्ष के लड़की होती है ने, जो बिस्तर पर ही टॉयलेट कर देती है ने? माने पूरा जो है, माने उसका कपड़ा जो है दिन में कम से कम 5 बार उसका माँ जो है चेंज करती है, क्योंकि मंगू पागल और गूंगी है बुआ है ने? पागल समझ करते है, पागल मतलब है ने कि जो जो खुद से अपना कोई काम नहीं कर सकता है। तो ये जो है 12 वर्ष की लड़की रहती है, जो बिस्तर पर ही टॉयलेट वगैरह इस समय माने कपड़ा वगैरह इस समय है ने खराब उराब कर देती थी, तो माँ जो है कम से कम 2 से 4 बार जो है उसको कपड़ा चेंज कर देती थी है ने? और 2 से 4 बार जैसे कपड़ा वगैरह धोते रहते, इसके पीछे काम करते रहते थे है ने? किसके पीछे बुआ? मंगू के पीछे। देखो माँ जो है ने, माँ जो है चाहे पागल रहे उनके बच्ची चाहे बेटे, तो बताओ माँ के लिए तो सब तो सामान्य है बुआ। अगर बताओ एसी का ये दोनों जो है बेटा जो है पढ़ लिख कर जो है बड़े शहर में काम कर रहा था, और दोनों बेटे का विवाह हो गया था है ना बुआ? इस तरह खींच नहीं है, इस सब दोनों के है, और इसका छोटका छोटका है भी
हाँ हाय रे हाँ बुआ हाँ अभी जी वो तो ध्यान दो बुआ। तो दोनों भाई है ही रे मंगू के बड़े भाई मंगू के भाई का जो क्या होता है पढ़ लिख कर नौकरी करता है शहर में और शहर में जाकर रहता है अपने पत्नी के साथ है ने। तो यहाँ देखो माँ जो है चाहे माँ के लिए चाहे कोई बेटा डॉक्टर रहे चाहे इंजीनियर बने रहे चाहे टीचर रहे चाहे कोई भी चाहे अगर पागल रहे तो सबके लिए तो एक समान नहीं है बुआ। ऐसा थोड़ू कहीं पागल है तो उसको घर से मार कर भागा देगा ऐसा नहीं बुआ। तो सबके लिए माँ के लिए बराबर होता है सबके लिए क्या होता है बुआ बराबर होता है ने। तो यहाँ ध्यान देना कभी कभी इसको जो है मंगू को क्या करता था इसका भाई सन जो है मारते रहता था है ने। माने माँ जो है जिस तरह से प्यार करते थे मंगू को उस प्रकार से मंगू के भाई और बहन प्यार नहीं करते थे। माने मंगू को इसका भाई और बहन प्यार नहीं करता था जिस प्रकार से माँ करती थी प्यार है ने। और समय समय पर खाना देना भूख लगा है तो उसको जिसे अपने मन से खिलाना होता है बुआ। पागल है तू मांगेगा रे गूंगी है तो कुछ बोलेगा बुआ कि उसको पता तुमको पता रहना चाहिए कितना माने भूख लगा जब तुमको भूख लग सकता है तो उसको नहीं लगेगा। तो इसलिए समय समय पर माँ जो है खाना देते रहती थी है ने। तो देखो लोग जो है कहते थे कि अस्पताल में इसको दिखाओ ने ले जाके जैसे लोग सलाह देते थे गांव ग्राम वाले लोग कि इसको जो है अस्पताल में ले जाकर दिखा दो मंगू को। लेकिन माँ जो है नहीं दिखाने के लिए नहीं ले जाए क्योंकि माँ जो है अस्पताल को गौशाला समझती है। क्या समझती है बुआ गौशाला क्योंकि गाय वगैरह बूढ़ी हो जाती है ना पूरा इसलिए गौशाला में भेज दिया जाता है। तो माँ जो है जैसे गाय उनको देखता है जैसे तैसे रहता है गौशाला में रहता है कि नहीं है ने पूरा गंदा कैले रहता है उसी में एकदम है ने कोई साफ उफ करने वाला नहीं है। तो उसी प्रकार से माँ जो है अस्पताल में अस्पताल को गौशाला समझती है क्योंकि माँ कहती है कि मैं माँ होकर इसकी सेवा नहीं कर सकती तो क्या अस्पताल वाले क्या करेंगे। जैसे मानो कि मैं माँ होकर इसकी सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वाले कोई करेंगे बुआ है ने। इसीलिए जो है माँ जो है मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं करना चाहती है ने। तो अस्पताल को क्या उपमा दिया गया बुआ गौशाला। क्या दिया गया हाँ मंगू की माँ ने अस्पताल को क्या उपमा दिया बुआ गौशाला। सवाल पूछा हुआ है ने तो अस्पताल को क्या बोला बुआ गौशाला। लेकिन क्या होता है ने कि मंगू के गांव के रहने वाली कुसुम नाम के एक लड़की पढ़ लिख रही थी बुआ अचानक पागल हो जाती है। मध्य विद्यालय में पढ़ रही थी मध्य विद्यालय समझती है आठवां में कहते हैं बुआ हाँ आठवां क्लास है ने उसी कहते हैं मध्य विद्यालय। तो आठवां मध्य विद्यालय कोई भी क्लास में हो तो मध्य विद्यालय में पढ़ती थी कुसुम। क्या होती है अचानक क्या हो जाती बुआ पागल हो जाती है। अब देखो मंगू की माँ को राहत आता है कि देखो ये अभी की उपाय करो है जैसे तो हमारे तो बेटिया एकदम बचपने से है तो हमारा तो कुछ पते नहीं चल रहे ने। तो अभी देखो ये की कर पाबो है ने काहे की हो तो भोगले पागल हुआ तो ये देखो क्या करते हैं। तो ध्यान देना इनके परिवार वाले लोग क्या करते हैं। तो देखो कुसुम जो है मंगू के गांव के ही रहने वाली है जो मध्य विद्यालय में पढ़ती है जो अचानक क्या हो जाती है पागल हो जाती है। इस लड़की को बांध कर रखा जाता था मांगू को बांध कर नहीं रखा जाता था मने घरे में रहती थी लेकिन इसको पकड़ कर रखा जाता था। पागल जो रहता है कभी अचानक दौड़ धूप भाग जाएगा इधर उधर देखते ना कई कई पागल वीडियो बहुत वायरल हुआ कि जो है रेलवे के ऊपर चढ़ के और तरिया छू देता है तो क्या रहता है पागल ही रहता है बुआ नहीं देखा वीडियो कई बार जो अचानक फट जाता है पूरा दम जो 33,000 अथिया में छू देता है दरिया में रेलवे के ऊपर हाँ है ने ट्रेन में ऊपर चढ़ जाता है छत्ता पर और तरिया नहीं छू देता है। कभी कभी वीडियो ऐसा देखा होगा तुम सब है ने। तो क्या होता है बुआ तो उसको इसी कहते पागल। तो ध्यान देना तो मंगू को कुसुम को बांध कर रखा जाता था लेकिन इसके परिवार वाले लोग जो है अस्पताल ले जाते हैं दिखाने के लिए है ने। इसके परिवार वाले कहाँ लेके जाते हैं बुआ अस्पताल लेके जाते हैं। तो क्या होता है धीरे धीरे इसका जो है ठीक होने लगता है ने। एक दो महीना तीन महीना तीसरे महीने में है ने पूर्ण रूप से ठीक हो जाती है। फिर चला आती है घर और खाना खाने भी लगती है सब चीज एकदम फिर जैसे था वैसे नॉर्मल हो जाती है कुसुम जो है नॉर्मल हो जाती है। तो अब यहाँ पर देखो मंगू की माँ
यहाँ पर मंगू की माँ क्या करती है, इसको बुलाती है कुसुम को, कुसुम को बुलाती है, कहते कुसुम अच्छा अस्पताल वाले लोग तुम्हें मैंने कैसे जो है देखभाल कर रहे थे, है ने कैसे देखभाल करते थे, है ने कहा कि हम अपना बेटी भी दिखा देंगे, अगर तुम ठीक हो सकती है तो कहा ने हमारी बेटी ठीक हो सकती है ऐसा। तो कुसुम कहती है बुआ, कहती है कि वहां पर जो है माने कि पूरे घर परिवार नियम जैसा रहता है, अगर किसी कारण से अगर कोई पागल जो है डॉक्टर को मार भी देता था पेशेंट को, यदि पेशेंट जो है जैसे ने पागल लोग ने मार ही देता है, मार ही देता है जैसे तैसे मार देता है, ठीक है, अगर किसी कारण से मार भी देता है डॉक्टर को बुआ, तो उसको जो है तब पर भी सही तरीके से देखभाल, क्योंकि जान रहा है कि पागल है ने, इसलिए सही तरीके से देखभाल करता है। इसी कारण क्या होता है कुसुम से राय ले लेता है, सब चीज वहाँ खाने पीने के लिए सब चीज सही से मिलता है, तो सब चीज बोला हाँ है ने, इसलिए मंगू की माँ को भी अब अच्छा लगने लगा है ने, किसको बुआ मंगू की माँ को लगा कि नए अस्पताल में हमको भी अब दिखाया जाना चाहिए। पहले सोची तो उसके बिहान होके सभी गांव वाले लोग, गांव ग्राम वाले लोग जो है समाज के लोग कहने लगे कि कुसुम को जब अस्पताल ले जाया गया दिखाया गया तो ठीक हो सकती है, तो आपका बेटी भी ठीक हो सकती है, इसलिए आप भी ले जाइए अस्पताल। कहाँ बुआ अस्पताल है ने, कहाँ लेके जाइए बुआ अस्पताल। तो मंगू की माँ को तो अस्पताल ले जाने का तो मन नहीं कर रहा था है ने, इनको लग रहा था कि लेके जाएंगे वहाँ अस्पताल में कि अस्पताल वाले लोग देखभाल करेंगे कि नहीं, सही से सही समय पर खाने के लिए देगा कि नहीं, कपड़ा उसको चेंज करेगा कि नहीं, ये सब इनको मन में शंका था, इसलिए जो ले जाना नहीं चाहता था। तो सब बोलने लगे गांव ग्राम वाले लोग, तो देखो तो मंगू की माँ जो है तैयार हो जाती है, सोचते चलो दिखा देते हैं, जब ये ठीक हो सकती तो हो सकता है हमारी बेटी भी ठीक हो सकती है। तो देखो बड़े बेटे को खत लिखता है, पहले उस समय टेलीफोन नहीं था, मोबाइल वोबाइल हुआ, खत लिखता है, खत मतलब समझने का था लेटर है ने। तो बड़े बेटे आता है, तो बड़े बेटा और मंगू की भाई और उसकी भाभियां को लगता था कि मंगू को बहुत जल्दी अस्पताल में भेज दो ये ठीक रहेगा, इसको लगता था कितना जल्दी ऐसे मैंने अस्पताल में छोड़ा भेज ये ठीक रहे, ठीक है, तो इसलिए उसके भाई और भाभी बहुत ही अच्छा लगता था कि अगर ये चल जीते अस्पताल तो ठीक रहता है, टेंशन वेंशन हमारा खत्म हो जाते, काहे अगर मम्मी नहीं रहते तो उसके बाद हम ही ने सेवा करना पड़ेगा, जैसे इस सोच रहा है इसका भाभी इस पर है बुआ कि हम ही ने सेवा करना पड़ेगा आए जैसे मंगू को है ने। तो देखो इसका भाई सुना कि अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ तैयार हो गई, किसको मंगू को, तुरंत दम आ गया दम किसी तरह से छुट्टी लेके, कौन हाँ बड़ा मैंने भाई इसका आ गया मंगू के, जैसे अपने बेटे को बुला लिया, कौन माँ जो है अपने बेटे को बुलाया किसको अस्पताल में, जैसे कोई साथ रहेगा तो उन्हें कोई साथ में रहेगा तब ने बुआ की अकेले लेके जाएगी है ने। तो तुरंत उसका भाई आ गया, जैसे माँ जो अपने बेटे को बुला लिया और जाने लगा, जाते समय है ने तो गया, जाते समय बैलगाड़ी से गया, क्या बुआ बैलगाड़ी से, फिर ट्रेन से गया, कहाँ से गया बुआ ट्रेन से, तो ट्रेन पर गया, तो ट्रेन पर जो लोग होते हैं आपस में जब मंगू को देख रही थी है ने, तो पागल जैसा बिहेव कर रही थी है ना, वहां पर भी ट्रेन पर तो आस पास जो लोग थे इसका मम्मी ने है, जैसे इसका माँ है, इसका माँ लगती मर गई क्या, मैंने ऐसे मैंने बोल रहे थे, तो फिर कहा हाँ है, और फिर बोला ने वहाँ के लोग जो आसपास ट्रेन पर जो बैठे तो यात्री, वो बोला कि कहाँ लेके जा रहे हैं इसको छोड़ने के लिए कहीं की, तो ये कहा कि इसको अस्पताल में ले जा रहे हैं दिखाने के लिए, कहाँ ले जा रहे हैं बुआ दिखाने के लिए अस्पताल ले जा रहे हैं, कहाँ दिखाने के लिए जा रहे हैं, तो वो कहा कि अस्पताल में मत लेके जाओ, कहा अस्पताल में हमारे गाँव के एक 4 साल से बूढ़ी औरत को छोड़ दिया है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है ने, अभी तक कुछ नहीं हुआ है ना बुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, इसलिए वो जब जाते हैं कोई गांव वाला लोग जो तो आने के लिए कांती है पूरा, हमें ले जाओ किसी तरह से है ने, इसलिए इसको नहीं ले जाओ अस्पताल छोड़ दो, काय कुछ नहीं होगा अस्पताल में, तो इनको माँ को वह पर एकदम शंका होने लगा कि लगता है सही बोल रहा है, ठीक होगा कि नहीं होगा, जैसे हम रख लेते घर पर वही ठीक रहा ठीक था है ने। इनको माँ को भी अब दो बातें होने लगा है ने, एक तो पहले से इनको मन में था कि लेके जा रहे थे, अभी इधर बोल दिया यात्री लोग जो बैठे थे तो वो सब राय दे दिया, तो इसको अमर इनको जैसे लगा कि जैसे कि लगता है यहीं से लेके चल जाए, लेके चल जाएगा कैसे, अगर लेके जाएगा जैसे इसका बेटा को बुलाया खत लिख कर ये आया, तो फिर कहता है कि अब अगर तुरा इसने अलग तो हमें बोले नहीं कहा नहीं यो, फिर बोलता देखते ना जब बच्चे कमाने वमाने लगते हैं तब अपने माँ बाप पर ही थोड़ा सा दिखाने लगता है तानसाहा
है ना, इसलिए जो है माँ जो है मन ही मन सोच रही थी अगर हमारा अपने बेटे को नहीं लाते यहाँ पर तो हम अभी तुरंत लेके चल जाते घर। जिस प्रकार से यात्री लोग दिया ने जैसे ट्रेन पर बैठे लोगों को बोला कि बेकार लेके जा रहे हैं अस्पताल, छोड़ दे यहीं से घूर जाओ, तो घूर ही जाता, लेकिन कौन था साथ में हुआ, बेटा था, इसी वजह से नहीं घूरा, है ने लेके गया अस्पताल, है ने तो अस्पताल तो तुरंत देखा कि वहां पर जो है पागल, जो है पागल पति है ने अपने पत्नी से, है ने मैंने अलग अलग बातें बिहेव कर रहा था, एक जो है पत्नी मैंने पागल पत्नी अपने पति से कह रहा था कि हमें जो है मुंह धोने के लिए नहीं देता है, बाल झाड़ने के लिए नहीं देता है, ऐसे करके बोल रहा था, है ने तो देखा कि मंगू की माँ देखी कि नहीं उसका मुंह भी धोया हुआ था और बाल भी झाड़ा हुआ था, मैंने पागल जैसी थी इसलिए वो अपना बोल रही थी, बिहेव कर रही थी, है ने फिर एक वो ऐसा पागल था पूरा तो किसी को तुम झाड़ रहा था इसी से करके, इसी से खा रहा था, तो इसको लगा कि लगता है खाना वाना नहीं मिलता है यहाँ पर, मंगू की माँ को, है ने मंगू की माँ को और डरने लगने लगा हुआ, लगा कि लगता है खाना वाना नहीं मिलता है इसलिए लगता है भूखा होगा इसलिए पटक रहा है, इसे से बोला रहा है खाने के लिए, मैंने भूखा इसलिए जो है लगा कि कुछ मिलेगा खाने के लिए, ऐसा लगा इनको, लगा नहीं कि खाने के लिए मिलवा नहीं करता है अस्पताल में। फिर डॉक्टर आया, जैसे नंबर आया इसका भी डॉक्टर आया तो पूछा, है ना इस तरह से तो बताया सब अपने बारे में, जैसे कि ये जो है बिस्तर पर ही टॉयलेट कर देती है, कपड़ा गंदा कर देती है, 3 से 4 बार जो है इसको धोना पड़ता है कपड़े को इस प्रकार से, तो क्या आप जो है इसको सब चीज सेवा कीजिएगा, तो कहा हाँ ये सब सभी होगा, चाहे कपड़ा चेंज करने पड़े, चाहे है ने मुंह धोना पड़े, चाहे कुछ भी, माने सब काम यहाँ पर होगा, है ने सब को साफ सुथरा रखा जाएगा, है ने और इसको सही ढंग से इलाज किया जाएगा इस प्रकार से। कौन बोला हुआ, डॉक्टर बोला, तो इनको माँ को और अच्छा थोड़ा सा उत्साह बढ़ गया कि नहीं लगता है ठीक हो जाएगा हमारा बेटी भी, कहे जैसे हम सेवा करते वैसे भी, है ने कहा इनको माँ को, मैंने कि मंगू की माँ कह रहे थे कि मंगू को जो है तेज रोशनी में सोने की आदत नहीं है, माने रोशनी में जैसे लाइट में सोने की आदत नहीं है इसलिए जो लाइट बता दीजिएगा, तो कहे कि ना इसको नींद की गोली दे देंगे, नींद की गोली मैंने नींद की गोली मैंने सो जाएगा शांति से, है ना इस प्रकार से मैंने कि। तो फिर जब जाने का वक्त हुआ, वो जाने का तो मन नहीं कर रहा था जाने का, अब फिर बोला कहा कि हमको दिखा दीजिए कहाँ जो है इसको रखिएगा कौन सा कमरा में, तो डॉक्टर बोला कि इसको जाने का इजाज़त नहीं है, किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, है ना इसको सही तरीके से रखा जाएगा। फिर क्या होता है कि घोड़ा गाड़ी से जाती है, घोड़ा गाड़ी जानते हैं ना, घोड़ा गाड़ी से जाती है, ट्रेन से ही जाती है, जैसे ट्रेन से आई तो ट्रेन से जाएगी, जाते समय घर से बैलगाड़ी से, आते समय उधर से कुछ दूर तक घोड़ा गाड़ी से, फिर ट्रेन पर से आई घर आया, घर आए 10:45 बजे, 10:45 बजे कितना बजे हुआ, 10:45 बजे शायद रात का समय था, है ने तो इनके पड़ोसी लोग जो खाना बने ले था, है ने बुआ खाना बने ले था, कहा कि इसके कहा कि बेटा खा लो खाना, जैसे इसका भाई को मंगू के भाई को खा लो खाना, तो देखो कोई भी जैसे बहन होता है सबका प्यार होता है बुआ, है ना इसको भी मन नहीं कर रहा था खाने के लिए, कहा नहीं खाएंगे, माँ तो एकदम पूरा नहीं जानो एकदम पूरा कान रही थी एकदम पूरा रात भर तक, वो तो खाए नहीं खाना, फिर सुबह उठी, फिर इसका भाई कहता है मन में सोचता है कि माँ इतना बहुत टेंशन में ले है, है ना इसलिए इसको लगा कि न माँ को इस बारे में बता देते हैं कि माँ अगर आप नहीं भी रहेगी तो हमारी पत्नी सेवा करे या ना करे हम जो है अपनी बहन को सेवा कर रहे हैं। हाँ ये बात जो है सुनिए नहीं भाई बोल रहा था कि नहीं हम जाके माँ को हम बता देते हैं ऐसा बात, कि माँ को कम से कम लगेगा कि है ने कि कम से कम तो संतावना तो दे रहा है ने हमारा बेटा, ऐसा तो बोल रहा है कि हमारे ना रहने पर भी हमारी बेटी को क्या करेगी सेवा करेगी, अरे इसकी पत्नी करे या ना करे लेकिन क्या कहा कि हम तो करेंगे ने, है ने लेकिन रात का समय था इसलिए सोचे कि सुबह ही कह देंगे, तो सुबह जब उठा है ने तब पूरा माँ जो है एकदम पूरा चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ हमारे मंगू को बचाओ मंगू को बचाओ मार देगा इस तरह से पूरा चिल्ला रहा था, है ने कौन बुआ माँ चिल्ला रही थी समझे बुआ पूरा जो है चिल्ला रही थी पूरा, है ने कि मार देगा सब आया गांव वाले लोग आए बुआ, है ने गांव वाले आए, है ने लेकिन क्या होता है माँ को जो है पूरे उसी की याद में मने की मंगू की याद में पूरा डूबी हुई थी, मंगू के बारे में ही सोचते रहते थे दिन रात, इसी कारण जो है माँ भी जो है मंगू के श्रेणी में चली जाती है, माँ जो है
मंगू के श्रेणी में हो चली जाती है, मतलब माँ भी पागल हो जाती है। सोचो माँ जो है कितना प्यार करती है अपने एक पागल बेटी से, और माँ भी क्या हो जाती है अंत में पागल हो जाती है। अरे कुछ ऐसा ज्योतिष बाबा था है ने? देखो ज्योतिष बाबा के बारे में बताते हैं, बहुत ठगना होता है, देखता है कि इसके घर में पागल एक आगो है ने? तो ये वो मंत्र पढ़ा दीजिए ठीक हो जाएगा, दे दीजिए 2000 रुपया, देखिए पक्का ही ठीक हो जाएगा। नहीं ठगने के लिए पता चल जाता है ने का वो पागल है घर में, तो ज्योतिष बाबा का नाम पूरा नाम घर आते रहेगा, सप्ताह महीना में आते रहेगा, तरह तरह के चीज इसको खिला दीजिए ठीक हो जाएगा, इसको पहना दीजिए ठीक हो जाएगा। फिर एक बार बहुत सारा पैसा लूट लिया ही है ने ज्योतिष बाबा, फिर कहा ने कि मंगू जो है अगहन महीना में ठीक हो जाएगी। मंगू जो है कब महीना में ठीक हो गया? अगहन महीना में। मंगू माँ के लिए अगहन महीना आराध्य था, हुआ आराध्य आराध्यता, कौन सा महीना आराध्यता हुआ? अगहन महीना, क्योंकि लग रहा है कि बाबा है, हो सकता है ठीक हो सकता है। तो अगहन महीने में मंगू 14 वर्ष की होने वाली थी, कितने वर्ष की? 14 वर्ष। इसका भी विवाह हो जाता है, क्योंकि 14 वर्ष में इसका भी विवाह हो जाता है, बड़ी बहन का भी। तो माँ भी सोचती है कि 14 वर्ष मैंने अगहन महीना में ठीक हो जाएगी, तो अगहन महीना में मंगू जो है 14 वर्ष की हो जाएगी। कितने वर्ष की हुआ? 14 वर्ष। और मंगू बहुत ही सुंदर थी, हुआ मंगू बहुत ही सुंदर थी, देखने में बहुत सुंदर, क्योंकि किताब में दिया हुआ है ना, बतिया दिया हुआ है, इसलिए बोल रहे हैं मंगू जो है बहुत ही सुंदर थी है ना। माँ को लगता था, माँ को लगता था कि अगर महीना वगैरह ठीक हो जाएगी तो मंगू 14 वर्ष की हो जाएगी, तो इसको भी शादी कर देंगे, इसको भी क्या कर देंगे? शादी कर देंगे, लड़का वाले लोग तुरंत पसंद कर लेंगे इसको, क्योंकि बहुत ही सुंदर थी मंगू है ने? है ने? यही है बुआ कहानी है। और अंत में माँ जो है किसके श्रेणी में चली जाती है? श्रेणी में चली जाती है। तब बताओ माँ जो है किस भाषा में लिखा गया? माँ किस भाषा में? माँ कहानी के लेखक कौन है बुआ? माँ कहानी का अनुवादक कौन है? बालदास। बताओ माँ के कितने संतान? मंगू के अलावा कितने है ने? कौन है बुआ? बताओ ए मंगती कौन जो है जन्म से पागल और कौन है बुआ? मंगू के बड़ी बहन का नाम? मंगू के बड़ी बहन का नाम? बता मंगू के गांव के रहने वाली लड़की कौन है बुआ? कुसुम। किस विद्यालय में पढ़ते थे? कौन विद्यालय में? विद्यालय में क्या करते थे? पढ़ते थे। माँ जो है अस्पताल को क्या उपमा दिया? अरे मंगू कितने वर्ष के थे? कितने वर्ष के? अगहन महीने में कितने वर्ष? 14 वर्ष के हो जाएगी, माने 14 वर्ष के। हाँ पूछेगा इसे मंगू कितने वर्ष की थी, तो 12 वर्ष के मारना, अगहन महीना लेगा तब 14 वर्ष के लेगा, ठीक है? ऐसे ऑलरेडी कब कितना मारना हुआ? 12। तो मंगू कितने वर्ष के थे? 12 वर्ष के थे। बस यही कहानी है बुआ, कहानी समझ में आया? कोई दिक्कत है? ठीक है।